लेकर चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर के उस स्क्रीन पर जिसने इतना गंदा काला जहर घोल के रखा है ना सोशल मीडिया पर। मेरा तो दिमाग का दही हो गया बुरा मतलब। चलिए मनीष भाई लगाइए वीडियो। किसी दिन इसके हाथ में झाड़ू देकर किसी दूसरे भंगी के साथ गलती हो जाएगी। गलती मुझसे बात करना। क्या बात करूं तुझसे, मैं तेरे मुंह से तो प्याज की बदबू आती है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ठंड लग जाएगी। चल राधे राधे, मैं कह रहा हूँ राधे, मार मुझे मार मुझे मार मुझे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास जी। भाइयों मेरी पूरी जिंदगी में इतना गुस्सा नहीं आया होगा जितना ये पाकिस्तान तू देख कर आया है। बंदे की एक्टिंग का लेवल देख रहे हो, सकल बिल्ली के पिछवाड़े जैसे एक्टिंग करने चल दिया ये। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। भाई इसकी एक्टिंग का लेवल देख के तो है ना, जो जंगलों में साधु महात्मा को होता है झोपड़ा और होटल में बनता है दही बड़ा, तो मेरे दिमाग का हो गया वैसे ही भो। समझ गए ना? अब तुम लोग तो पहले से हवस के तुम भी समझेगा तो कौन समझेगा। मुंह की प्यास तो बुझ जाती है पर अंदर की हवस का क्या है? दादे मेरी शादी करा दे। तेरे क्या करूंगा यार, मुझे तो खुद नहीं। देखा इस काले लव गपदा सा सा गपदा पदा पदा लौंडे को है। मतलब बॉलीवुड में हम पहले जनता लोग स्टार किड्स के लौंडे लौंडियों से परेशान है। बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाएं मैं पहुंच जाता हूं, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हां तो मैं तो इंडस्ट्री की हूं तो मैं अपना बेटा भेज रही हूं। हां तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। और ये कि बाहर अपनी खुद की बॉलीवुड खड़ी करने पे तुला हुआ है, है? समझ में आ नहीं रही इसको, समझ में आ नहीं रही इसको, समझ में आ नहीं रही इसको। अबे क्या सोच रहा है फिसल पट्टी? मैं ये सोच रहा हूँ यार, राधे को वोट कौन देगा? देखा आपने ये साइड वाले महाशय को, ये इस उम्मीद में इस वीडियो में आए हैं कि भैया अगली बार जो बैंग बैंग टू बनेगी सर मेरा मजाक उड़ाते तो ऋतिक रोशन को रिप्लेस करके इनको लिया जाएगा, हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। साले उल्लू जैसी शक्ल है, कुछ भी सोच के आ जाते हैं। राधे वाह क्या एंट्री मारी भाई ने, वाह। अरे मेरे साउथ वाले भाइयों सारे डायरेक्टरों, सीखो भाई से, पेट धो करके पी लो। और बॉलीवुड वालों तुम तो बहुत दूर रहो, अबे अपर लेवल की एंट्री मारी है, अपर लेवल की। साइकिल से कौन मारता है मेरे भाई एंट्री? हरकुलिस साइकिल से है। हरकुलिस जो मूवी बनी है अबे उसमें तो रोक देख के भी तेरे को शर्मा जाएगा। Rest in peace. भाई आज जोड़े तेरे काय को बना रहा है वीडियो। राधे को वोट कौन देगा? अबे जब राधे को लोग गालियां देते हैं तो वोट भी दे देंगे ना। ये देख लो भाइयों, खुद के दोस्त एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साले को गाली देंगे, फिर भी साले ने सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर जैसे है ना ऐसी उल्टी करी, एकदम जहर उगल दिया मूवी में। बोलो सुबह केसरी क्यों बनाई रे? मतलब भाई की फैन फॉलोइंग देख रहे हो हैं? वीडियो में एक से एक सुंदर सुंदर महिलाएं लेके आया है हैं? अबे जब इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां ला रहा था, तो फिर ये सुंदर से मर्द को नीली साड़ी पहन के नचवाने की क्या जरूरत थी भैया? हैं? राधे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी बस। अरे नहीं भाई कोरोना वोरोना नहीं है, बंदे की बॉडी देख रहे हो? उम्र सारी अबे पिल पिलाते पतीले की बॉडी देखकर तो सलमान भाई भी है ना अपनी फिल्मों में से शर्ट उतारना बंद कर देंगे। हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। शर्म नियारी लौंडे को, शर्म नियारी लौंडे को, शर्म नियारी लौंडे को। बाप रे उम्र सारी। अबे हीरोइन देख रहे हो? मतलब इतनी सुंदर। अबे हम और आप जैसे तो एकदम रंडवे घूम रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों के लोड़े लगे पड़े। और ये कहाँ से लेके आ गया भाई? दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, कलयुग दूर नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली है, पक्का बता रहा हूँ। उस लड़की को पहचानता है कौन? क्या बात कर रहे हो भैया,
इतने सिगरेट काहे पी रहे हो? पर ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है भाई, इस मामले में तो मानना पड़ेगा। शुरू से देख रहा हूँ बंदा सिगरेट पीने पर कसर नहीं छोड़ रहा, मतलब तंबाकू वाले एड में मुकेश ने भी इतनी सिगरेट नहीं पी होगी। है लौंडे का देखो चेहरे का ग्लो देख रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो, अरे वो दीदी क्या कर रही हो? अरे इतनी जोर से धक्का कौन मारता है? बंदा गिर जाएगा, सलमान भाई की बॉडी लेके थोड़ी आया है वो। हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। धीरे जरा धीरे जरा धीरे जरा। अच्छा सुनो, झाड़ू लगाने के बाद बाथरूम भी साफ कर दे। पूरे शहर के बाथरूम साफ होंगे, आज से मेरा दिन भूल नहीं, उसी पर। ठीक है ठीक है, लेकिन बाथरूम जरूर साफ कर दे। भाई क्या कर रहे हो, इतने बढ़िया हीरो बने हो और ऊपर से बाथरूम साफ करने निकल दिए? अबे पाकिस्तान के मोदी जी बने हुए क्या, देश में गंदगी नहीं रहने दोगे? मतलब आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। बहुत बढ़िया, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो ये कैप्सूल खा लीजिएगा जी। मेरा मतलब है आप लोग आराम से बैठे, राधे आते ही होंगे। और इस चूतिये को देखो, मौका हाथ से छोड़ दिया, लड़की को कैप्सूल के नाम पे लौट दे रहा है। अबे लो उम्र सारी ही दे देता। क्या करूं, दिल तो बहुत चाहता है मगर। अरे रे क्या गंदा दिखा दिया भाई, ऐसा लग रहा है इसने अपनी टट्टी अपनी जवान और अपने दांतों से साफ कर लिया, पीला कर दिया साला साहब। हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अरे मेरे कलुए, व्यूज पाने के लिए कुछ भी परोस देगा क्या? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। अबे तुम पाकिस्तानी उसे ना हो पाएगा भैया। अबे हम इंडियंस में है जज्बा टैलेंट, भाई के लिए हम भी रिस्पेक्ट रखते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया है, देखना जनता आप लोगों को। चलिए स्क्रीन पर लगाइए। मनीष भाई जरा अपना वीडियो पेश करो। कुछ भूल रहे हैं आप? रज्जो अरमानों को थोड़ा काबू रखो, पापा बाहर ही बैठे हैं, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। अच्छा आए हाय, ये खूबसूरत सा वीडियो सिर्फ एक सैंपल था, ये टोटल वीडियो 40 मिनट का है। इसको पूरा देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसको ओपन करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस ये पूरे रंडी रोने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा निकलता है, यानी कि कहानी का जो श्रेय है वो ये निकलता है कि ये लौंडा खजेले खजेले वीडियो दिखाकर 1 मिलियन सब्सक्राइब और 4 मिलियन व्यूज पा सकता है। तो भाई आप और हम तो इंडियन है, तो बजाओ ये नीचे लाल बटन वाला सब्सक्राइब और बढ़ाओ मिलियंस मेरे सब्सक्राइब। चलिए गाइस बाय, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे और वाला बेहतरीन वाला लाऊंगा, एक ऐसे ही लौंडे या लौंडियों को लेकर के जो फोकट के ट्रेंडिंग में वायरल हुए पड़े हैं, जिनकी वहां जरूरत भी नहीं है भाया। चलिए गाइस बाय।